खबर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र की है, जहां कल्याणपुर के समीप दुर्गावती ककरेत पथ पर बाइक एवं ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ट्रैक्टर एवं बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से दुर्गावती के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, वहीं घायल दो लोगों को प्राथमिक उपचार कर वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। मृतक व्यक्ति चैनपुर थाना के बयूर मानपुर गांव का निवासी दीवान तबरेज खां, पिता दीवान एजाज खां है। वहीं घायल व्यक्ति में एक बयूर गांव का ही निवासी आबिद खान, पिता अली शेर खान एवं दूसरा व्यक्ति दुर्गावती थाना क्षेत्र के करनपुर गांव का इसराइल खान, पिता गुदरी साई के रूप में बताया जा रहा है। फिलहाल चिकित्सकों ने दोनों व्यक्ति को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति एक ही बाइक पर तरबेज खान के ससुराल यूपी के गाजीपुर से ककरेत के रास्ते बयूर अपने घर जा रहे थे। वहीं आने के क्रम में कल्याणपुर के पास एक बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इधर पीएचसी की महिला डॉक्टर खुशबू कुमारी बताती है कि कल्याणपुर के समीप घटना हुई है, जिसमें तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां एक की ऑन स्पॉट ही मौत हो चुकी थी, वहीं दो लोग घायल जिनका प्राथमिक उपचार कर वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं दुर्गावती पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया है। देखते ही देखते खबर मिलने के बाद ब्यूर के सैकड़ों लोग सदर अस्पताल भभुआ में आ चुके थे। ब्यूर के ही चैनपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व जिला अध्यक्ष, सह मुखिया प्रतिनिधि दीवान अशरद हुसैन उर्फ राजू खान ने बताया कि तरबेज खान वर्तमान में रांची झारखंड के आरईओ विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। उनको दो लड़के थे, दो लड़की थी। अभी 3-4 दिन पूर्व अपने गाँव ब्यूर आए थे। आज ससुराल से लौटने के क्रम में यह हादसा हो गया।